अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाला एवरी एक्सप्लोरर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड खैर वाफियत से होंगे। तो दोस्तों उस्मान भाई के सेटअप में मौजूद हैं, माशाल्लाह आपको प्रोग्रेस भी चेक करवाते हैं। और आज इस वीडियो में हम इनसे मालूम भी करेंगे, जैसा कि पिछली वीडियो में इन्होंने बताया भी था कि इन्होंने जो टोटल इन्वेस्टमेंट की 3 लाख रुपया, तो अभी तक इनके पास यानी कि दूसरा क्लास तीसरा क्लास चल रहा है, यानी कि दूसरा सेल्फ हो गया, कई जोड़ों ने तीसरा क्लास ले करके बैठे हैं। तो मालूम करते हैं कि इन्होंने 2 क्लच में क्या अर्न किया, कैसा इन्हें फील्ड में इसमें मज़ा आया, क्या क्या इन्होंने यानी कि एक्सपीरियंस सीखा, टोटली डिटेल उस्मान भाई की ज़बानी सुनेंगे। उससे पहले ये कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चले उस्मान भाई से आज मालूम करते हैं कि क्या प्रोग्रेस है उनके शेड पर और कितनी यानी कि उन्होंने माशाल्लाह अर्निंग की है 2 क्लचों में। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम सलाम जी उस्मान भाई, माशाल्लाह प्रोग्रेस की सुनाएं, क्या सुन जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख करोड़ों शुक्र है मेरे मालिक का, बेहतरीन जा रही है। तो माशाल्लाह जोड़े वगैरह इन डिटेल में दोबारा बताएं कौन कौन सी फेयरिंग है आपके पास जी, और फिर व्यूवर्स को हम प्रोग्रेस भी दिखाते हैं। उसके बाद व्यूवर्स को हमने बताना भी है कि 3 लाख इन्वेस्ट किया था कि और हमने इसमें से 2 क्लच में कितना अर्न कर दिया। तो सबसे पहले आप पेयरिंग बताएं जो आपने लगाई हुई थी। पेयरिंग माशाल्लाह अली भाई, ज़्यादातर मेरे पास पार ब्लू है, पार ब्लू यूविंग है, अल्बाइनो रेड आइज है और डेकिनो का एक पेयर है, कुछ फोस्टर पेयर हैं, इस तरह मुख्तलिफ ज़्यादा मेरे पास वर्किंग पार ब्लू की है। कितने टोटल ये पेयर हैं? तकरीबन ये टोटल 16 पेयर हैं फोस्टिंग के मिला के। माशाल्लाह। तो उस्मान भाई इसमें क्या आपके पास प्रोग्रेस है, यानी कि तीसरा क्लच शुरू हो गया है, कितने चीक आपने यानी कि इनसे लिए हैं अभी तक? इनसे मैंने तकरीबन 60 को बच्चे ले चुका हूँ माशाल्लाह। तीसरे क्लच में अल्बाइनो रेड आइज कितने थे, पार ब्लू को मिक्स ही थे, सारे मिक्स ही थे, तकरीबन 10-10 लगा लें, 5-5, 10-10, 7-7 मुख्तलिफ। तो उस्मान भाई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितनी अर्निंग आपने कर दी? अर्निंग जो इन्वेस्ट किया था अली भाई वो तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से वसूल हो गया, वापस आ गया माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। तो जी व्यूअर्स, लव बर्ड की फील्ड है, सिर्फ थोड़ा सा मुश्किल इसमें यही है कि इसको फर्स्ट टाइमर जो है अटेंड करना थोड़ा मुश्किल है, नहीं पता चलता कि किस तरह ब्रीड करवानी है। माशाल्लाह उस्मान भाई ने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी अल्हम्दुलिल्लाह उतनी इन्होंने अर्न कर ली है। अब कह लें कि ये टोटली सेटअप आपको जो नज़र आ रहा है ये कह लें आल टू ऑल अब बेनिफिट है, इसमें मज़ीद ये अर्न करेंगे। अभी आधा सीज़न हुआ है, आधा सीज़न गुजरा है, मज़ीद सीज़न अभी 2 यानी क्लच और ये ले सकते हैं, इसके बाद भी माशाल्लाह ये अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो चलें वन बाय वन अब आपको दिखाते हैं क्या प्रोग्रेस इनके पास आई हुई है, कौन कौन से पेयर हैं विजुअल आपको दिखाते हैं और क्या हमारे व्यूवर्स के लिए अवेलेबल भी है। उस्मान भाई सबसे पहले कौन सा पेयर दिखाएंगे? ये अली भाई फोस्टर पेयर है, ग्रीन फिशर और लटिनो ब्लैक है इसका। इसकी प्रोग्रेस चेक करें, इसने माशाल्लाह बच्चे इसके सेल्फ हो गए थे, अभी ये तीसरा क्लच का है। हाँ जी, इसने दोबारा लिंक कर दिया स्टार्ट, माशाल्लाह आगे आ गए इसके। हाँ जी, ये आपने फोस्टर रखा हुआ है? जी ये फोस्टर है। चलिए इसी तरह अगला पेयर दिखाते हैं व्यूअर्स, अगला पेयर कौन सा? ये अल्बाइनो रेड है, इसका मेल है और स्प्लिट की फीमेल है। ये माशाल्लाह मेरा सबसे पुराना पेयर है, ये सारी रौनक अल्बाइनो वगैरह इसकी है माशाल्लाह। तो इसका क्या रिजल्ट है? इसका चौथा क्लच है, इसके मैंने तीसरे क्लच के बच्चे उठा लिए हैं, अब ये नेस्टिंग वगैरह इसको दोबारा दी है, इंशाल्लाह दोबारा लिंक पे आ जाएगा। चलें जबरदस्त हो गया, इसके बाद दिखाएं कौन सा पेयर। ये अली भाई पार ब्लू सिंपल की फीमेल है और ब्लू फिशरी का मेल है, इसके माशाल्लाह ये अपने चिक्स खुद ही पाल रहा है, ये देखें माशाल्लाह, ये 4 बच्चे इसके अपने हैं और एक अल्बाइनो का रखा हुआ है इसके नीचे, 5 तो बच्चे। इसमें से कौन कौन से चिक इस पेयरिंग में से आने हैं? ये मिक्स ही आते हैं दोनों, आधे ब्लू फिशरी आ जाएंगे, आधे पार ब्लू आ जाएंगे, या 3 ब्लू फिशरी आ जाएंगे या 3 पार ब्लू आ जाएंगे, मिक्स ही आएंगे माशाल्लाह जबरदस्त। यानी कि आगे आपके पास पार ब्लू सिंपल भी अवेलेबल होंगे और फिशरियाँ भी अवेलेबल। हाँ जी ठीक हो गया, इसी तरह आगे दिखाएं। ये भी फोस्टर पेयर है ब्लू मास्क का जी, इसके नीचे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, ये अपने ही पाल रहा है। हाँ जी ये अपने ही पाल रहा है। उस्मान भाई ये अल्बाइनो रेड आइज का मेल है, इसके साथ वो फीमेल है और डेकिनो का मेल है, ये माशाल्लाह लेंग आई है इनकी, इनका तीसरा क्लच है, पहला क्लच आया था माशाल्लाह और दूसरा ज़ाया हो गया था और ये माशाल्लाह तीसरे क्लच की लेंग है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 4 है भी इसने ले कर दिए, 30 को पहला ले किया। हाँ जी 30 को ज़बरदस्त हो गया, आगे दिखाएँ।
ये स्प्लिट टू स्प्लिट का पेयर है, ये माशाल्लाह रेड आइज बच्चे निकालता है हर क्लच में, एक दो एक दो इसके भी चिक्स आए हुए हैं अभी हैचिंग यानी कि कर रहा है। हाँ जी, ये कंडा पड़ा हुआ है, चार चिक्स आ गए हैं। इसमें रेड आइज कितने हैं? इसमें रेड आइज एक आया है, वो मैंने दूसरी जगह फोस्टर किया, ठीक हो गया, वो छोटा था। यानी कि स्प्लिट टू स्प्लिट भी रेड आइज निकला? हाँ जी, ये लक की बात होती है अली भाई। चले नीचे दिखाएं कौन सा है? ये फोस्टर पेयर है, कुछ इसके नीचे अपने चिक्स हैं और कुछ मैंने फोस्टर किए हैं। ये चार चिक्स अपने हैं, इसके एक अल्बाइनो का स्प्लिट है रेड आइज का। कॉमन लैटिनो फोस्टर? नहीं नहीं, लैटिनो ब्लैक इज कॉमन नहीं है। हाँ जी, पसनाटा, ठीक हो गया। उस्मान भाई इस बॉक्स में ये भी फोस्टर पेयर है अली भाई, इसके नीचे भी अंडे रखे थे, ये माशाल्लाह तीन चिक्स निकल आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। जी उस्मान भाई इस पेयर का बताइए। ये पारविलो यूविंग का मेल है और बिलू फिशरी की फीमेल है। इसका क्या रिजल्ट आया? इसके दो चिक्स आए थे, दो अंडे खराब हो गए थे और ये मैंने फोस्टर किए हैं दोनों, अभी ये दोबारा लेने के लिए रेडी हैं। माशाल्लाह जबरदस्त हो गया। इसके बाद आगे दिखाएं। ये अल्बाइनो रेड आइज की फीमेल है और वायलेट पारविलो स्प्लिटिनो का मेल है। माशाल्लाह, तो इसकी प्रोग्रेस क्या है? इसकी प्रोग्रेस मैं दिखाता हूँ आपको, इसके चार बच्चे आए थे, ये माशाल्लाह देखें, एक क्रीमिनो है, एक अल्बाइनो रेड आइज है, एक पारविलो यूविंग ऊपर वाले पेल का रखा हुआ नीचे, एक इसमें पारविलो यूविंग है, क्रीमिनो है, अल्बाइनो रेड आइज है, ब्लैक आइज है। हाँ जी, और सिंपल पारविलो है, एक वायलेट पारविलो स्प्लिटिनो है, ये माशाल्लाह जबरदस्त माशाल्लाह। ये लैटिनो पसनाटा रेड आइज का पेयर है अली भाई, ये इसका दूसरा क्लच है, पहले बच्चे इसके सेल्फ हुए थे वो सेल कर दिए हैं, दोबारा इसने लिंक की हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त हो गया। इस तरह अगला दिखाएं। अगला नीचे फिशरी टू फिशरी लगा हुआ है पेयर, इसके नीचे मैंने बच्चे फोस्टर किए थे, एक बच्चा इनका अपना है या शायद वो भी फोस्टर होगा, एक ब्लू फिशरी है, एक अल्बाइनो स्प्लिट है रेड आइज का, दो ग्रीन फिशर है, एक लैटिनो है, पांच बच्चे हैं माशाल्लाह इसके नीचे। जबरदस्त अली भाई, ये भी फोस्टर पेयर ही है, इसके एग्स की डेट नहीं थी किसी के साथ मैच हुई, फिर इसके अपने एग्स हैं इसके नीचे। हाँ, फीमेल बैठी हुई है माशाल्लाह, ये एग वगैरह इसके आगे करके कॉर्नर में पड़े हैं इसी तरह। जी इसका बताइए। अगला पेयर अली भाई अल्बाइनो रेड आइज का मेल है और पारविलो की फीमेल है माशाल्लाह जबरदस्त। ये इन्होंने माशाल्लाह इसका दूसरा क्लच है, एग्स आए हैं इसके भी माशाल्लाह, फर्टाइल है माशाल्लाह। इसके बाद अगला क्लच दिखाएं। ये भी अली भाई सेम ही पेयरिंग है, बस फीमेल स्प्लिट की है रेड आइज की, इनके नीचे मैंने बच्चे फोस्टर किए हैं, वो एक पेयर प्लकिंग कर रहा था तो इसके नीचे तीन अल्बाइनो रेड आइज है और एक स्प्लिट का। नीचे इसके ग्रीन फिशर का पेयर है, इसके नीचे भी बच्चे फोस्टर किए हैं, एक दो अल्बाइनो रेड आइज के हैं, बाकी एक दो इसके अपने होंगे, एक ब्लू फिशरी का, चार या पांच बच्चे होंगे इसके नीचे। माशाल्लाह जबरदस्त हो गई। ये अली भाई दो पीस बुक हैं ऑलरेडी, ये गुजरात के एक नवीद भाई हैं उनने बुक किए हैं, एक उनका वायलेट पारविलो स्प्लिटिनो है और ये दो पीस ये हैं, तीन पीस उनको इकट्ठे देने हैं। तो उस्मान भाई हमारे व्यूवर्स को डाइट प्लान अपना शेयर करें, क्या आप रूटीन में इन्हें डाल रहे हैं? डाइट प्लान अली भाई साउथ फूड में मैं दे रहा हूँ, सब्जियों में दे रहा हूँ, गाजर चुकंदर और ये मेथी दे रहा हूँ और साथ में बॉयल एग्स मुरिंगा, उसके बाद हर्ब्स एग एंड बिस्किट, ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैं सुबह डेली बेसिस पर देता हूँ। चले व्यूवर्स वन बाई वन आपको दिखाते हैं फिजिकल क्या चीज़ें हैं। उस्मान भाई पीछे आपने वीडियो में जो जो चीज़ें बताई हैं अब व्यूवर्स को दिखाते भी हैं, तो थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या चीज़ें हमने सेट कर ली हैं, आप देखें। सबसे पहले उस्मान भाई इन डिटेल बताएं। ये अली भाई सब्जियों में गाजर है, ये सबको पता है, ये मेथी है, ये कॉर्न है छली, और ये है अली भाई एग एंड बिस्किट डेली नेचर का, ये एक पैक पड़ा हुआ है इसका, ठीक हो गया। ये मुरिंगा, ये हमने खुद घर पर तैयार किया था हम दोनों ने मिल के, ठीक है। और ये प्राउन्स है मुरिंगा, ये भी ये दो किस्म के मुरिंगे हैं, ये भी है ये भी है, ठीक है। तो आप ठीक हो गया उस्मान भाई, आपने बता तो दिया, अब ना व्यूवर्स को थोड़ा सा गाइड करें कि आप किस तरीके से दे रहे हैं साफ फूड,
दाने जो आप भिगो के दे रहे हैं वो ऊपर ही पड़ी हैं या नहीं? है? वो अली भाई नीचे पड़ी हैं, वो मैंने भिगो के रखी हुई हैं। वो नीचे क्या, उनका क्या? वो सारी चीज़ें 6-7 किस्म की दालें हैं, चना है और मकई है क्रश की हुई, ठीक है, ये सब कुछ मिक्स है। वो 24 घंटे भिगोते हैं, 12 घंटे बाद उनका पानी चेंज करते हैं और सेब का सिरका एक ढक्कन डाल देते हैं, फिर सुबह फ्रेश करके ड्राई करके तो फिर वो सब कुछ मिक्स करके बर्ड को देते हैं एग फूड बना के। तो सुबह रूटीन में आप कितने बजे ने सर्व कर देते हैं? मैं तकरीबन 8 बजे, कभी 7:30 बजे, कभी 9 बजे, रूटीन है ये मेरी, जब आँख खुले सबसे पहले यही काम। तो आप ये चीज़ें किस मिकदार में डालते हैं? ये अली भाई मरिंगा में डालता हूँ, 3-4 ग्राम डालता हूँ, मेरा सॉफ्ट फूड होता है 1 किलो से 3 पाव के करीब, और एग एंड बिस्किट के मैं 3 से 4 चम्मच डालता हूँ। ये बर्ड बड़े शौक से खाते हैं, और ये सब्जे के तौर पर थोड़ी सी मेथी काट लेते हैं, और ये कॉर्न थोड़ी डाल लेते हैं साथ में, ये हर्ब्स हैं, ये भी आजकल ठंड है तो ये भी डाल लेते हैं, ये गर्माइश पैदा करते हैं। प्राउन्स? प्राउन्स, ठीक हो गया। तो जी व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपसे यानी कि टोटली शेयर किया हमने अपना एक्सपीरियंस। माशाल्लाह उस्मान भाई ने 3 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 3 लाख रिकवर कर लिया, अभी 2 क्लच हुए हैं। तो अल्लाह पाक इनके इस शौक़ में मज़ीद बरकत अता करे, इनके बर्ड वगैरह को मज़ीद जो है ना इन्हें यानी कि और अच्छा यानी कि अर्न करने की और ज़्यादा सलाहियत दे। तो आपके साथ हमने टोटली शेयर किया जिसमें इन्होंने डाइट प्लान में जो जो चीज़ें इस्तेमाल करवाई हैं, इसके अलावा बर्ड की क्या प्रोग्रेस आई है, कुछ चिक वगैरह वीडियो में दिखाए भी हैं जो अवेलेबल हैं। उस्मान भाई का नंबर भी स्क्रीन पे शो हो रहा है, अगर किसी को कोई क्यूरी या कोई भी चीज़ मालूम चाहिए तो उस्मान भाई से रब्ता कर सकते हैं। तो उस्मान भाई 24 आवर आपके लिए अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई भी करेंगे, रहनुमाई किसी को चाहिए वो भी करेंगे। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला जल्दी एक नए सेटअप, नई वीडियो, नई टिप के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।